नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टेढ़ी पूंछ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर प्रेस्ट, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसके पहले के कॉमिक्स जल यक्ष और कुकड़ू को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, या बाकेलाल कॉमिक्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को हम शुरू करते हैं। दो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात जलयक्ष ने बाकेलाल से पूछा तीसरा प्रश्न। बता बाकेलाल, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? यदि तूने इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया तो मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से स्वतंत्र नहीं करूंगा। पहले दोनों प्रश्नों की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी मैं जरूर दूंगा जलयक्ष। जब उत्तर सूझ जाए तो यहाँ चले आना। बताओ, जलयक्ष मुझसे पूछ रहा है कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। तीसरा प्रश्न पूछकर जलयक्ष हो गया अंतर्ध्यान। बाकेलाल चेतक पर सवार होकर प्रश्न के उत्तर की खोज में चल पड़ा। उत्तर तो बेटा बाकेलाल तुझे खोजना ही होगा। तभी बाकेलाल चौंक पड़ा। अरे, वहां क्या हो रहा है? भों भों भों, सावधान। हम सभी कुत्ते माह में एक बार अपने गम बांटने के लिए एकत्रित होते हैं। कृपया सब अपने गम एक दूसरे से बांटें। हम सब इंसानों के सताए हुए हैं। मेरा मालिक एक धोबी है, उसका गधा बीमार पड़ गया तो उसने मेरी ही पीठ पर कपड़े लाद कर घाट पर ले जाना शुरू कर दिया। चल मेरे प्यारे कुत्ते, और भौं भौं मत कर, ढेंचू ढेंचू कर, ढेंचू ढेंचू। कपड़े ढोते ढोते मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई। अब गली मोहल्ले के सारे कुत्ते मुझे गधा का कट चिढ़ाने लगे हैं। बहुत बुरा हुआ। मेरा मालिक रोज सोमरस के नशे में अपनी पत्नी को पीटता था। उसके जुल्म से तंग आकर उसकी पत्नी घर से भाग गई तो अब वो रोजाना मुझे पीटता है। वो कहता है कि मेरी पूंछ से उसे नफरत है, क्योंकि उसकी आकृति उसकी पत्नी की चुटिया से मिलती है। अब बताओ, भला इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत बुरा हुआ। बाकेलाल अपने प्रश्न के उत्तर की चाह में परेशान था। कहीं ये सब इसी बात की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है? काश मैं इनकी भाषा समझ पाता। तभी एक स्वर गूंज उठा। बाकेलाल तो भाग्यशाली है, इस समय मैं कुतभाषी और मेरा भाई काटी काटी वन भ्रमण पर हैं। तो जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है मैं उसी के ऊपर कुछ समय के लिए विश्राम कर रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ विश्राम करूँगा तो कुत्तों की भाषा समझ एवं बोल भी सकता है। मेरा मालिक दिन रात अपनी मुर्गियों की रखवाली करवाता है और बदले में पेट भर खाना भी नहीं देता है, ऊपर से रोटी भी फेंक कर देता है। ले रोटी खा। इसी गुस्से में मैंने मालिक को काट खाया। मैं फेंकी हुई रोटी नहीं खाता। उसके बाद मालिक ने डंडे से मेरी खूब सुताई की। अभी तक शरीर दर्द कर रहा है। मुझे इनकी भाषा समझ आ रही है, और मेरी तो ये भी समझ में नहीं आया कि आदमी आदमी को डांटते वक्त उसे कुत्ता क्यों कहता है। हद तो तब हो जाती है जब कुत्ता कहे जाने वाला व्यक्ति कुत्ता संबोधन सुनते ही गुस्से से आग बबूला होकर दूसरे आदमी पर झपट पड़ता है। हाँ, क्योंकि मानो हमें इज्जत की नजरों से नहीं देखते। इनकी निगाह में कुत्ता शब्द एक गाली है। ये हमारा अपमान है। भौं। हम तो मानो के प्रति स्वामी भक्त दिखाएं और मानो हमारा मान सम्मान भी ना करें। भौं भौं। अरे कमबख्तो, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों होती है इस पर चर्चा करो। कुत्तों के पास शिकायतों का भंडार था। आदमी हमारी पूंछ को लेकर भी अक्सर ये व्यंग करते हैं कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी ही रहेगी। ओ, कुत्ते पूंछ पर चर्चा कर रहे हैं। आदमी ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। ये तो मेरे भी कभी समझ में नहीं आया कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है।
अब मुझे ही इनकी पूंछ छूकर देखनी पड़ेगी कि वो टेढ़ी क्यों है। मुझे देखने दो कि तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। जरूर पूंछ की हड्डी टेढ़ी होगी। इस आदमी ने मेरी पूंछ को छेड़ा है। चलो इसे काटे। पर हम क्यों काटे, हमें थोड़े ही छेड़ा है। अबे तेरे मालिक की पत्नी भाग गई थी तो उसने भी तुझे पीट कर अपना गुस्सा तुझ पर निकाला था या नहीं? हाँ निकाला तो था। तो फिर हम क्या आदमियों से भी गए गुजरे हैं जो अपना गुस्सा इस पर ना निकालें? टूट पड़ो। अरे बाप रे, ये तो काट खाएंगे। भाग बाकेलाल, भौं भौं। अरे ये कुत्ते तो मुझे नोच ही खाएंगे। हो नप्पा दकी होऊंगा। और बाकेलाल के ऐसा कहते ही छैला प्रकट हो गया। पिताश्री, आपको उन कुत्तों के निकट नहीं जाना चाहिए था। और चले ही गए थे तो फिर उनके पूंछ नहीं छेड़नी चाहिए थी। बातें बाद में करेंगे छैला, पहले उन कुत्तों से बचने का उपाय तो सोचो। उपाय तो सामने ही है पिताश्री। उस वृक्ष की खो में घुसकर हम इन खूंखार कुत्तों से बच सकते हैं। बाकेलाल छैला सहित उस कोटर में प्रवेश करने ही वाला था कि किसी से जा टकराया। ओह ये क्या, उस समय तक रात हो चली थी। मैं हूं डराकुला। इसे देखकर तो सचमुच डर लग रहा है। मानो तुम जा सकते हो क्योंकि मैं यहाँ केवल कुत्तों का खून पीने आया हूं। कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये तो हम पर ही झपट रहा है। उसने मेरे भाई मोती को पकड़ लिया है। खोती, मेरे भाई मुझे बचा। मोती, मेरे भाई मैं बचाऊं कैसे, ये मुझे छोड़ नहीं रहे। आह छोड़ दो मुझे, वो तेरा भी खून पी जाएगा। आह मुझे छोड़ दो, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरा मतलब कुत्ता हूँ। मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ तुम कुत्तों का खून पीना है। चप चप, और मैं तुम सब कुत्तों का भी खून पी जाऊंगा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भागो, डराकुला से बचना है तो इसी खूह में कूद जाओ। हमारा शिकार भी इसी के अंदर है। पाकेलाल एवं छैला फिसलते हुए खो से बाहर एक स्थान पर आकर गिरे। धम, ये भूलोक से हम कहाँ आ गए हैं? और ये क्या, यहाँ तो दिन है जबकि वृक्ष की खो में प्रवेश पूर्व वहां रात हो चुकी थी। पिताश्री, मैं आपको भूतकाल में ले आया हूँ जहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होगा कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। ये कहाँ ले आया तू? यहाँ के वृक्षों को देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। भूलोक से हम आ गए हैं भौलोक में, मगर यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ मानवों का प्रवेश वर्जित है। छैला ने कुछ बड़े पत्तों को तोड़ दिया। और पिताश्री, हमें स्वयं को छुपाते हुए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी हमें ये बात पता नहीं है कि भौलोक के निवासी मानव से किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है पिताश्री, वो देखिए, ये तो कुत्तों के समान ही दिखाई पड़ते हैं, मगर ये तो मानव के समान दो पांव पर चल रहे हैं। ये कुत्ते हैं या मानव? हिक हिक, चल मेरे आदमी। पिताश्री, ये श्वान है। श्वान है तो कुत्ते ही, किंतु कुत्तों से इसी गुण से भिन्न है कि ये लोग भी मानव के समान दो पांव पर चल सकते हैं। परंतु ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? तेज चल, जल्दी घाट पहुंचना है। खाना तो ठूस ठूस कर खाता है, काम करते वक्त दानी मर जाती है। ये श्वान शायद धोबी है। उसने अपने मैले वस्त्रों की गठरी आदमी की पीठ पर लाद रखी है और उसे गधे की तरह हांकता हुआ घाट की ओर ले जा रहा है। वो देखिए पिताश्री, वहां आदमी कुत्ते के समान स्वान के ग्रह द्वार पर बंधा हुआ है। हाँ, जैसे रखवाली के लिए पालतू कुत्ता बैठा रखा हो। पालतू आदमी कहिए पिताश्री, स्वान पालतू आदमी को पानी पीने को दे रहा है। ले पी मर। पालतू आदमी कुत्तों के ही भांति जीभ लपलपा कर पानी पी रहा है। चप चप, ए हुस मोती, चल जा, गेंद उठा कर ला। उसने अपने पालतू आदमी का नाम मोती रखा है। हम्फ हम्फ, हमारे यहाँ ऐसे नाम कुत्तों के रखे जाते हैं।
पुत्र छैला, यह स्थान ठीक नहीं है। यहाँ तो सीधे साधे मानव के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ से निकल चलने में ही भलाई लगती है। किंतु कुत्ते के पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, उसका उत्तर हमें यहीं पर रहकर ही मिल सकता है पिताश्री। यदि हम यहाँ से चले गए तो फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? किंतु यहाँ हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? यहाँ तो सभी श्वानों की पूंछ एकदम सीधी है। तो फिर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि यहाँ के कुत्तों की पूंछ सीधी क्यों है। इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, सुंग सुंग, किंतु यह टेढ़ी आंख वाला श्वान सैनिक कुछ सूंघता हुआ हमारी ओर क्यों आ रहा है? आंखें तो सबकी ही टेढ़ी है पिताश्री। वो था सेनापति टेढ़ा। इन अजनबियों में से मानव की गंध आ रही है। देखो इनको कि ये कौन है। जो आज्ञा सेनापति। स्वान सैनिकों ने बाकेलाल एवं छैला को पकड़ दिया और अरे ये तो मानव बस्ती के आदमी हैं, मर गए। पकड़ दो इनको, अच्छी किस्म के आदमी लग रहे हैं। छैला के बच्चे फंसा दिया ना, इन्हें बंदी बना लो। अब हम इन्हें कुत्तापंती दिखाएंगे। अब ले चलो इन्हें, अभी तो शाम हो चली है। कल प्रातः कुत्तापंती दिखाकर इन्हें पालतू बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। पिताश्री संकट काल में धैर्य से काम लेना चाहिए। उधर राक्षस के भय से खो में कूदे सभी कुत्ते भी भौलोक में आ पहुंचे थे। ये हम ना जाने कहाँ आ पहुंचे हैं। जब तक यहाँ की भौगोलिक जानकारी प्राप्त ना हो जाए हमें छुपकर ही रहना चाहिए। वहां भी आधम का था डराकुला। मैं हूं डराकुला, तुम कुत्तों का खून पीने आया हूं। राक्षस डराकुला, अरे ये तो वही राक्षस है जो भूलोक में भी हमसे टकराया था। ये यहां भी आ गया। ओ तो ये तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है, किंतु यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। कुत्तों मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बचाओ, लाओ इन्हें मैं पकड़ता हूँ, तुम डराकुला को पकड़ो। ओह हम तो समझ रहे थे कि आप राक्षस को मारेंगे। मैं तुम्हारा सेनापति हूँ हरामखोरो, सेनापति एकदम से किसी से युद्ध नहीं लड़ते। जाओ मार गिराओ उसको। गुर्राते हुए सैनिकों ने राक्षस के कंधों पर काट खाया। हमारे दांत उसकी खाल को नहीं चीर पाए। तुम्हारे दांतों में वो पैनापन नहीं जो डराकुला की खाल को भेद सके। मैं सब कुत्तों का खून पी जाऊंगा। यदि स्वानों के दांत इस राक्षस की खाल ही नहीं चीर पा रहे हैं तो फिर मैं कुतकुती दांत का प्रयोग भी इस पर नहीं कर सकता। अब दूसरे सैनिक अपने अस्त्रों को लेकर डराकुला पर झपटे। समाप्त कर दो इस शैतान को, मुझे कुत्तों का रक्त पीना है, संसार के सारे कुत्तों का रक्त। पिताश्री यदि ये सभी कुत्तों का रक्त पी गया तो फिर हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? इन्हें बचाना होगा, हम तो स्वयं कैद में हैं। हम भला स्वानों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? कर सकते हैं पिताश्री, तुम हमें डराकुला से कैसे बचा सकते हो? हम तुम्हें क्यों बचाएं? तुम्हें मरने के बाद तो तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा ही लाभ होगा। हम तुम्हारी कैद से मुक्त हो जाएंगे। यदि तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी कुत्तापंती नहीं करेंगे और हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। तो फिर ठीक है, हमें आजाद करो। कैद मुक्त होते ही छैला बाकेलाल के साथ उस हल के पास पहुंचा और पिताश्री आइए हल चलाते हैं। यहाँ मेरी समस्या हल होने के स्थान पर उलझती जा रही है और तुझे हल चलाने को पड़ी है। अरे पिताश्री आप हल चलाने में मेरी मदद तो कीजिए। बाकेलाल एवं छैला ने हल को भूमि खोदने वाला नुकीला कीला राक्षस के पेट में घोप दिया। खचाक, राक्षस के पेट से खून बह निकला। खून मेरी शक्ति है, इसे बहने से बचाना होगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर फिर जल्द ही लौटूंगा। भाग गया। कहानी 19 पेज से जारी। डराकुला के जाते ही पकड़ लो इन दोनों को। अरे परंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमें स्वतंत्र कर दोगे।
हाँ कहा था स्वतंत्र तो करेंगे, किंतु किंतु कुत्ता दांत के कुतकुती दंश के बाद। कुतकुती दंश? हाँ खचाक नहीं, ये मक्कारी है, वो तो हमारा धर्म है। अब सुन, कुतकुती में एक ऐसा विष है जिससे इंसान को जल डर हो जाता है, अर्थात वो जल को देखकर भयभीत होने लगता है, और जल के बिना तो इंसान वैसे भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अरे तेरा साथी कहाँ गायब हो गया, बता वो कहाँ गया? ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो जाता है। नहीं बताता तो जा मर, अब तू प्यास से मरेगा, ले हमने तुझे स्वतंत्र कर दिया है। अरे मगर कुतकुतु के कांटे का इलाज तो बता दो। कुतकुती के कांटे का इलाज है गुदगुदी लीचर बूटी, जो लार नदी के पार चीचर के पेड़ के नीचे कीचड़ में मिलती है। बाकेलाल लार नदी तक जा पहुंचा। ओह, उस ओर है लार नदी, किंतु लार नदी के जल के कलकल के तीव्र स्वर से बाकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। जल का तीव्र स्वर सुनकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं, फिर मैं नदी का सामना किस प्रकार से कर पाऊंगा? मेरी तो टांगे कांपने लगी है। आ, आ, मैं तो नदी में दूर ही गिर पड़ा, और मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। हो न पता की हूँ। और तभी छैला प्रकट हो गया, उधर पिताश्री ने बोला अप्पा दे की हूँ, और इधर मैं हुआ हाजिर। तू कमबख्त कहाँ मर गया था, अब बचा मेरी जान, वो तो मेरा फर्ज है पिताश्री। इतनी सी बात तो आपकी समझ में नहीं आ रही थी कि आपको जल डर रोग हो गया है, जो कुत्ता प्राणियों के बीच से हो जाता है। आप आंखों पर ये पट्टी बांध लें जिससे कि जल आपको दिखाई ना दे, और कानों में डाल लें ये रुई ताकि जल का शोर भी आपको सुनाई ना पड़े। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस नौका पर बिठा कर लार नदी के पार। छैला ने शीघ्र ही ऐसा पेड़ ढूंढ लिया जिसके नीचे कीचड़ हो, यही होना चाहिए चीचड़ का पेड़। अरे वाह, ये बूटी तो बहुत गुदगुदी है, यही है लीचड़ बूटी। जल्दी करो, प्यास से मेरा गला चिपका जा रहा है, दम भी घुटने लगा है। कच्चर पच्चर, मेरा गला ठीक हो गया तो फिर अब इस पट्टी की कोई जरूरत नहीं है, और कानों में ठूसी इस रुई की भी। बाकेलाल ने छक्कर नदी का जल पिया, तब अब क्या करें, हम स्वानों के नगर में गए तो सेनापति फिर से हमें कुतकुती से डसवा देगा। अब आप उसकी चिंता ना करें पिताश्री, क्योंकि अब आपके शरीर में लीचर बूटी का रस है जो आपको कुतकुती के विष से बचाएगा, और अब तो मैंने भी उस बूटी को खा लिया है। किंतु जैसे ही उनकी नौका किनारे पर पहुंची, ओह आखिर तेरे साथी ने तेरी मदद करके तुझे ठीक कर दिया, पर कोई बात नहीं, अब हम तुम दोनों की घुर भौं भौं करेंगे। वो क्या होती है, ये कुत्तापंती की छोटी बहन होती है। घुर भौं भौं प्रक्रिया में हम तुम इंसानों की सारी समझदारी झाड़ कर तुम्हें अपना गुलाम बना लेते हैं, जैसे मोड़े नामक यंत्र से तुम्हारे पांव चौपाए पशुओं की भांति मोड़ दिए जाते हैं, तुम्हारी जीभ खींचे नामक यंत्र से खींचकर लंबी कर दी जाएगी जिससे कि तुम जीभ से लप लप करके तरल पदार्थ पी सकोगे, तुम्हारे गले का स्वर तंतु कुक्कू नामक चिमटे से भींच दिया जाएगा जिससे तुम केवल कुं कुं ही कर पाओगे। अब तक बाकेलाल के होश उड़ चुके थे, मगर अक्ल अभी साथ दे रही थी। पुत्र छैला, यदि ये हमारी गुर भौं भौं करेंगे तो हम भी इन्हें डराकुला से बचने का उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि डराकुला अभी तो भाग गया है, मगर वो दोबारा जरूर आएगा और कई स्वानों का खून पी जाएगा। आप ठीक कहते हैं पिताश्री, सेनापति का माथा ठनक चुका था। वो उपाय क्या है, यदि तुम हमें बता दो तो हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं नहीं करेंगे। तो फिर सुनो, डराकुला केवल गर्दन में ही दांत धंसा कर अपने शिकार का रक्त पीता है। यदि तुम अपने सभी नागरिकों की गर्दन में लोहे के चौड़े पट्टे डाल दो तो वो गर्दन में दांत नहीं धंसा पाएगा। वाह, ये उपाय तो अच्छा है, किंतु अगर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं अवश्य करेंगे।
उसी समय से स्वान सेनापति के आदेश पर सभी नागरिकों के लिए लोहे के मजबूत पट्टे बनवाए जाने लगे। सभी लोहार इसी काम पर जुटे रहे। ठीक उसी समय भौलोक की मानव बस्ती में मानव राजा शरीफा, हे ऋषि लोहाचार्य, अपने अपने अस्थियों का दान कर हमें हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। महाराज शरीका की जय हो। हमने लौह अस्थियों से लोहार नामक ये अस्त्र बना लिए हैं, जिनसे अब दुष्ट के सिर काटकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। इन अस्थि शस्त्रों का एक बार ही होगा, किंतु उसी बार में हम काट डालेंगे शत्रुओं के सिर। स्वान अक्सर घात लगाकर हमारे आदमियों को ले जाते हैं और उनके कुत्तापंती करके उन्हें अपना पालतू बना लेते हैं। हम उनके पंजे एवं नुकीले दांतों का मुकाबला कर सकने में असमर्थ हैं। उनके पास कुतकुती जैसा विष भी है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब हम स्वान बस्ती पर आक्रमण करके अपने आदमियों को स्वतंत्र करवा देंगे और स्वानों का भी मजा चखा देंगे। आक्रमण के लिए कूच करो, मानो की विजय हो, दुष्टों का नाश हो। महाराज शरीफा जिंदाबाद। स्वान सेनापति टेढ़ा को शीघ्र ही मिल गया वो समाचार भी। क्या मानो हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं? वो तो आ भी गए। मारो मारो, उनके हाथों में ये अस्त्र कैसे हैं? मानो ने शक्तिशाली आक्रमण किए। उड़ा दो दुष्ट स्वानों के सिर, टनाक टनाक। अरे ये क्या, स्वानों के सिर क्यों नहीं कटे? क्योंकि हमने गर्दनों में लोहे के पट्टे पहने हुए हैं। हमारे अस्त्र हमारे हाथों से गायब हो गए। ऋषि लोहाचार्य के अस्त्र केवल एक बार तक ही चलने थे। ऐसा अकलमंदी का काम स्वान स्वयं नहीं कर सकते, किसी मानव ने इनकी मदद की है। ओह वो रहे दो मानव, बंदी बना लो इन सबको। आज तो घर बैठे इतने सारे आदमी हाथ लग गए। हम इनकी कुत्तापंती करके इन्हें दूसरे राज्यों में भेज देंगे। दूसरे राज्य में इनकी बिक्री से हमें काफी धन प्राप्त होगा। मानो होकर तुमने स्वानों की मदद करके अच्छा नहीं किया, किंतु हमें क्या पता था कि तुम भी आक्रमण करने वाले हो। ले जाओ इन्हें यातना गृह में। पुत्र, मानो का ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर ये हमारे ही भाई बंधु हैं। जो हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उधर भोलोक के सभी कुत्ते भी छुपते छुपाते नगर में प्रवेश कर गए थे। अरे वो देखो, यहाँ के नागरिकों की सूरत हम कुत्तों से कितने मिलती है। ये स्वानों का नगर है जो हमारे जैसे ही दिखते हैं। कुछ और भी तो देखो। अरे वो देखो क्या नजारा है, चारपाई के नीचे बैठा आदमी। ऐसे तो आदमियों के नगर में हम बैठते हैं। वो स्वान शायद पालतू आदमी को ही पुकार रहा था। झबरू आओ आओ। अरे ऐसे तो आदमी हमें बुलाता है। कंबख्त कहाँ मर गया था, कब से पुकार रहा हूं। ना मुराद ना स्पीटे, आदमी कहीं के एक आवाज में नहीं सुनता क्या? क्यों, जो काम हम आज तक नहीं कर पाए थे वो यहाँ स्वान कर रहे हैं। आदमियों की ऐसी दशा देखकर मेरा मन तो नाचने को कर रहा है। तभी स्वानों ने उन्हें घेर लिया। अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं। मैं हूँ सेनापति टेढ़ा, चलो सीधे खड़े हो जाओ और अपना परिचय दो। हम तुम लोगों की तरह दो पांव पर खड़े नहीं हो सकते। हम भोलोक के कुत्ते हैं, एक मानव का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। क्या यही है वो मानव? हाँ यही है वो मानव। तुम हमारी तरह ही हो, केवल पूंछ का फर्क है। तुम सबकी पूंछ टेढ़ी है और यहाँ स्वानों की एकदम सीधी। स्वान राजा सानू ऐसे कुत्तों को देखकर सन्न रह गया। कुत्ता महल में आप सबका स्वागत है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि संसार में हमारा एक और रूप भी हो सकता है जो सीधे खड़े होकर चलने में भी असमर्थ है। इन सबकी पूंछ भी टेढ़ी है, इस बात में अवश्य ही कोई भेद है। सेनापति स्वान ऋषि, भविष्य से पता लगाओ। परंतु इन कुत्तों का क्या करूं? मेरे विचार में इनको अपनी देखरेख में रखो, काम आएंगे। क्या मतलब?
ड्रैकुला का अंत अभी हुआ नहीं है महाराज, वो कुत्तों के खून का प्यासा है। मैं तुम्हारी मनसा समझ रहा हूँ बाकेलाल, किंतु ये हमारे अतिथि हैं, कुत्ता कुत्ता भाई भाई। इनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। सेनापति, इनको भी लौ पट्टे दे दो। ओ, यहाँ भी ड्रैकुला का आतंक फैला है। स्वान सेनापति ने ऋषि भविष्य से भेंट की। अछू, अनर्थ, वो कुत्ते तो हम स्वानों का भविष्य है सेनापति टेढ़ा, कुछ और भी बतावे ऋषि भविष्य। अच्छू, मेरी नाक स्वानों का भविष्य सूंघ रही है, किंतु आज मुझे नजला हो रहा है, सुंघाई कम दे रहा है, अतः मैं भविष्य को कम सूंघ पा रहा हूँ, पूरा भविष्य बताने में समय लगेगा। डराकुला ने रात्रि में पुनः स्वानों पर आक्रमण कर दिया। कुत्तो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। डराकुला ने एक स्वान को दबोच लिया और गढ़ा दिए अपने दांत उसके गर्दन पर। लेकिन ये क्या, आ मेरे दांत! ओ, स्वानों ने गले में लौह पट्टे पहन रखे हैं, ऐसे में मैं इनका रक्त नहीं चूस सकता। मारो मारो! सैनिक ने ये खुशखबरी सेनापति टेढ़ा को दी। राक्षस हमारे हाथ तो नहीं लगा, किंतु भयभीत होकर भाग गया। तो फिर हमें स्वतंत्र कर दो और महल में हमारे रहने की व्यवस्था करो। तब सेनापति ने बाकेलाल और छैला पर अपनी आंखें टेढ़ी की। राक्षस तो भाग गया, अब हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं करेंगे। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमारी गुर्र भौं भौं नहीं करोगे, ये धोखा है। हाँ, तुमने वचन दिया था सेनापति टेढ़ा। स्वानों के वचन पर विश्वास करते हो? हमसे भूल हो गई जो इन पर विश्वास किया। आखिर है तो ये स्वान भी कुत्ता जाति के प्राणी। इनकी घुर भौं भौं के लिए इनको ले चलो भौं भौं मैदान में, जहां महाराज के समक्ष इनकी गर्दन भौं भौं करके इनको पालतू आदमी बनाया जाएगा। तभी सेनापति जी, ऋषि भविष्य ने तुरंत आपको बुलावा भेजा है। ओह, मुझे तुरंत जाना होगा। फिलहाल इन दोनों को कारागार में डाल दो। अब मेरे लौटने पर ही होगी इन दोनों को पालतू बनाने की कार्यवाही, ऋषि भविष्य ने सेनापति टेढ़ा को बताया। सेनापति, मैंने स्वानों का भविष्य देख लिया है। भविष्य में स्वान मानों की गुलामी करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे। तब सेनापति टेढ़ा ने यह सूचना राजा को दी। महाराज, मानो हमारे भविष्य के लिए खतरा है। अब हम मानो की कुत्तापंती या गुर्र भौं भौं करके उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें समाप्त कर देंगे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तभी एक दरबारी ने सूचना दी। महाराज, बाकेलाल और छैला नाम के दोनों आदमी हमारे सैनिकों की पकड़ से निकल भागे हैं। क्या? उनका पीछा करो, पूरा स्वान नगर छान डालो, वो बचकर जाने ना पाए। हमारे प्रशिक्षित जासूस स्वानों को उनके पीछे छोड़ दो। बाकेलाल एवं छैला की गंध शीघ्र ही जासूस स्वानों ने सूंघ ली। वे रहे, पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। सामने तो झील है, अब क्या करें पिताश्री? आपको तैरना तो आता है ना? हाँ छैला, तैरना तो मुझे आता है। तो फिर कूद जाओ। छपाक छपाक, छैला कुछ काट रहा है। काट तो मुझे भी रहा है। अरे बाप रे पिताश्री, वापस चलिए। झील में खौफनाक जोंके हैं जो हमारा खून चूस जाएंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने, कहाँ चल दिए? इधर तो आओ, थोड़ा सा मुझे खून पिलाओ। किनारे पर खड़े स्वानों ने उन्हें फिर से कैद कर दिया। हम जानते थे कि तुम झील में ज्यादा दूर तक नहीं तैर पाओगे। इन जोंकों से तो पीछा छुड़ाओ। सेनापति जी, सभी सैनिकों को पट्टों के कारण गर्दन पर खुजली हो रही है, मगर खुजली भी नहीं कर सकते। पट्टे कब तक पहनने होंगे? पट्टे हटाएं तो राक्षस का खतरा है। यदि हम तुम्हारी गुर्र भौं भर ना करें तो क्या तुम खुजली का उपाय बता सकते हो? तुम धोखेबाज हो, वादा करके मुकर जाते हो। इस बार पक्का वादा, जल्दी उपाय बताओ, क्योंकि खुजली तो मुझे भी भयंकर हो रही है। पहले की तरह वादे से मुकर गए तो? कहा ना, नहीं मुकरेंगे। इनकी बात पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है पिताश्री। मरता क्या ना करता। तो फिर सुनो, अभी रात होने में कुछ देर बाकी है। तुम लोग अपने पट्टे उतार कर नहा लो, खुजली मिट जाएगी।
और इस बीच राक्षस ड्रैकुला आ गया तो नहीं आएगा, वो केवल रात को ही आता है। सभी स्वानों ने बाकेलाल का कहा मानकर नदी में स्नान किया। आह, खुजली मिट गई। पिताश्री, अपने ये अनुमान कैसे लगाया कि राक्षस रात में आता है, वो अचानक दिन में भी तो आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वो भूलोक को चला जाता है, वहाँ के कुत्तों का खून पीने, जहाँ रात होती है, और फिर वहाँ दिन होते ही वो यहाँ आ जाता है, यहाँ के स्वानों का खून पीने, जहाँ उस वक्त रात होती है, और फिर झील में स्नान के बाद। बुरा ना मानना बाकेलाल, अब हम तुम्हारी भौंका भौंकी करेंगे। वो क्या होता है भौंका भौंकी? मतलब तुम्हें उल्टा लटका कर तुम्हारे सिर में खुजली वाले कीड़े खचेरू छोड़े जाएंगे और तुम्हारे हाथ भी बांध दिए जाएंगे। किंतु तुमने तो कहा था कि हाँ, कहा तो था, पर कहने में क्या जाता है। ये कार्य कल प्रातः होगा। बाकेलाल का अनुमान ठीक था, रात होते ही डराकुला फिर आधम का। स्वानों में भगदड़ मच गई। इस पर मैंने भूलोक के अधिक कुत्तों का रक्त पीकर अधिक शक्ति अर्जित कर दी है, अब मैं अपने दांतों से तुम्हारे लोहे के पट्टे भी तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारा खून भी पी जाऊंगा कुत्तों, कड़ाक। भागो, ये तो हमारे गले में पहने लोहे के पट्टे भी तोड़े दे रहा है। सेनापति को खबर मिली। इस विपत्ति से तो बाकेलाल ही बचा सकता है महाराज। राजा सन्नू और सेनापति टेढ़ा पुनः बाकेलाल एवं छैला की शरण में पहुंचे। बाकेलाल, इस प्रकार से वो राक्षस सभी स्वानों का रक्त पी जाएगा। सेनापति ने मदद प्राप्त करने के बाद तुम्हारे साथ जो सुलूक किया, उसका दंड मैं स्वयं उसकी भौंका भौंकी करके दूंगा। अब विलंब ना करो और हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। पिताश्री इनकी मदद कर देते हैं, आखिर यही तो हम इंसानों का कर्तव्य है। उनसे बचने का एक उपाय है। जल्दी बताओ, राक्षस महल की ओर आता ही होगा। सारी प्रजा भी घबराई हुई बाहर खड़ी है। सभी स्वान झील की ओर भागो। जैसा बाकेलाल कहता है वैसा करो। सभी स्वान नौकाओं में सवार होकर दूसरे किनारे पर निकल जाओ। जल्दी करो। छपाक, डराकुला भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचा। आज तुम सबका खून पीकर मुझे पप्पू बांध शक्ति मिल जाएगी, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। पप्पू बांध से देवता थर थर कांपते हैं। राक्षस झील में कूद गया। छपाक, राक्षस डराकुला तीव्रता के साथ स्वानों का पीछा करने लगा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? वो तो तेजी से तैरता हुआ हमारी ओर ही आ रहा है। अब हम क्या करें महाराज? बाकेलाल भी हमारे साथ नहीं है, उनको साथ लेना चाहिए था। एकाएक ही डराकुला के तैरने की गति धीमी होने लगी। ये क्या, मेरे हाथ पांव कांप क्यों रहे हैं? तभी बेटे राक्षस, अभी तो छोटी जोंक की तुझसे चिपटी थी, अब हम बड़ी वाली चूसेंगी तेरा खून। अब तो तू सारे का सारा कांपेगा। आह, ये क्या? अरे, पर खून तो मैं चूसता हूँ, डराकुला तो मैं हूँ, अब तू नहीं बचेगा। ओ, उस मानव बाकेलाल ने इसलिए हमें झील में ले जाने को कहा था। उसे पता था कि झील में जोंके हैं जो राक्षस का खून चूस जाएंगी। राक्षस मारा गया। तभी स्वान भी वहां आ पहुंचे। राक्षस तो मारा गया, अब शेष आदमियों के साथ तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि तुम भविष्य में हमारे लिए संकट उत्पन्न करने वाले हो। तो तुम एक बार फिर अपने वादों से मुकर रहे हो महाराज। देखा आपने, सेनापति टेढ़ा, क्या मैंने इनसे कोई वादा किया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता महाराज। हम तो सीधे साधे सच्चे लोग हैं। ये धोखा है, मक्कारी है, तुम सब टेढ़े हो। बाकेलाल एवं छैला की गर्दनें अन्य सभी मानव सहित फांसी के फंदों में डाल दी गई। इन्हें फांसी दे दी जाए। छैला, तू तो गायब होकर बच जा पुत्र। यदि मैं आप सबको ना बचा पाया तो मैं जी कर क्या करूंगा पिताश्री? मगर तभी फंदे टूट गए। कड़ाक, ओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी प्रकट हुए स्वर्ग के देवता इंद्र।
दुष्ट स्वानों, सीधे साधे मानों ने संकट काल में पल पल तुम्हारी मदद की, और तुमने मक्कारी अपना टेढ़ापन दिखाकर उन्हीं के प्राण लेने चाहे, ये भी ना सोचा कि आज बाकेलाल के कारण ही स्वर्ग पर आया संकट भी टल गया। तुमने पशुओं की भांति आचरण किया है, आज के बाद सभी स्वान चौपाए पशु रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारा सारा टेढ़ापन तुम्हारी पूँछ में आ जाएगा, जिससे तुम्हारी पूँछ टेढ़ी हो जाएगी। भविष्य में तुम मानव के प्रति वफादारी और स्वामी भक्त दिखाओगे और उनके जान माल की रखवाली भी करोगे। अब तुम स्वान ना कहलाकर कुत्ता प्राणी कहलाओगे। नहीं, देखते ही देखते सभी स्वान कुत्ता प्राणियों में बदल गए। भोलोक के कुत्तों ने भी वो नज़ारा देख लिया था। अरे, ये सब तो हमारे जैसे ही हो गए। हमें पता चल गया कि हमारी पूँछ टेढ़ी क्यों है, हमें सही दंड मिला है। बाकेलाल भी प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों है। इसी के साथ बाकेलाल उस खो से बाहर आ गिरा और भूलोक के सभी कुत्ते भी। ओ, मैं भूतकाल से वापस वर्तमान में लौट आया, मगर छैला कहाँ गया? लगता है वो गायब हो गया। अब मुझे शीघ्रता से जल यक्ष के पास जाना चाहिए, हम वापस लौट आए। क्यों क्यों? वापस जलयक्ष के पास पहुंचकर बाकेलाल ने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वानों ने मानों को दिखाया टेढ़ापन, जिससे क्रोधित होकर स्वर्ग के देवताओं ने स्वानों का सारा टेढ़ापन उसकी पूंछ में डाल दिया, इसलिए हो गई उनकी पूंछ टेढ़ी। सही उत्तर बाकेलाल, मैं प्रसन्न हुआ। अब अगला प्रश्न सुन। अब अगला प्रश्न बलि के बकरे। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में, जिसका नाम है बलि के बकरे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।